अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए शहर के व्यापारी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। शहर के मोबाइल व्यवसायी सिंह बंधु मोहित सिंह बॉबी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के कार्य में जोरों से जुटे हुए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग 22 जनवरी को अपने घरों में दिवाली मनाएं और दीप जलाएं। मोहित सिंह बॉबी ने बताया कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हम लोगों में उत्साह है, इसीलिए आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। मोबाइल खरीदने वालों को भगवान राम मंदिर का इलेक्ट्रिक मोमेंटो के साथ 5 मिट्टी के दिए गिफ्ट में देकर उनको दीप जलाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। जय श्री राम। देखिए, आपको तो पता ही है कि हम लोगों ने सारे स्वरूप देखे हैं अपने रामलला के। जब चबूतरे में भजन होता था, उसके बाद ताले खुले, उसके बाद अंदर जो है उनके पूजा अर्चना होने लगी, फिर उसके बाद ताले बंद हो गए, फिर तमाम दिक्कतें आई, फिर मस्जिद तथाकथित मस्जिद को तोड़ा गया, और जो है उसके बाद में जो है रामलला किस तरीके से टेंट में रहे हमारे। और मोदी जी और योगी जी की उसके वजह से, प्रयासों की वजह से आज ये पावन दिन आया है, तो हम लोग के अंदर अति उत्साह है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। सबको हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी को प्रेरित करें, सबको 5 दिए दे रहे हैं, और अपनी दुकान की तरफ से तमाम जो है छोटे मोटे जो है मेमेंटो हम लोग दे रहे हैं राम मंदिर और राम जी के। कोशिश यही है, लोगों को यही प्रेरित कर रहे हैं कि अपने घर में दिए जलाएँ और उस दिन जो है खूब अच्छे से करें, ताकि जितने भी लोग अयोध्या आ रहे हैं वो लोग देखें कि अयोध्यावासी कितने उत्सव से अपने प्रभु राम का इंतज़ार कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से हम लोग को रुझान मिल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं सब जगह से कि सब लोग आने को आतुर हैं यहाँ पे, तो बोला तो यही जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख के करीब पर्यटक आएंगे। तो 2 से 2.5 लाख पर्यटक अगर आएंगे, तो उसके अंदर से अगर आधे भी 2-3 दिन के लिए रुक गए, तो आप उससे समझ सकते हैं कि इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, हर जगह पे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, ये ठीक है कि बड़े इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें आ रहे हैं, पर आगे जो विकास होगा, मुझे लगता है कि वो राज्य सरकारें और सारे जो है अपने धर्मशालाएँ और सारी चीज़ बनाएंगी, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था देंगी, तो ये जल्दी से जल्दी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि योगी जी हमारे, हम इतने मतलब खुशकिस्मत वो हैं कि ऊपर से मोदी जी तो है ही, मगर योगी जी भी पूरा ध्यान अपना जो है लगाए हुए हैं यहाँ पे, और जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, हम लोग अति उत्साहित हैं। हम लोग को लगता है कि इधर जो पीछे मनवाने और सारे चीज़ों में जो नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत शहर का रास्ते बंद थे, सारी चीज़ें थी, वो हम लोग अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर पूरा रिकवर कर लेंगे। और हर तरफ प्रयास यही हो रहा है कि लोग आएँ, उनका हम लोग अच्छे से स्वागत कर सकें और अच्छे से अच्छी सेवा उन लोग को प्रदान कर सकें। देखिए, 22 जनवरी को हम लोग अपनी अगर दुकान खोलने की हम लोग को वो मिलेगी, तो दुकानें खोलेंगे हम लोग, सभी लोग जो है सब भगवा रंग के कपड़ों में जो है अपना आएंगे उस दिन, सभी एक ही वेशभूषा में आएंगे, ढोल टकाड़े ले के यहाँ पर। दिन भर हम लोग का विचार है कि हम लोग जो है उत्सव करें। जी, मेरा नाम मोहित सिंह है और बॉबी के नाम से ज्यादा मशहूर हूँ, सिंह बंधु मेरे प्रतिष्ठान का। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH 19, मथुरा।